हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो दोस्तों हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये मोस्ट डिमांडेड प्रोफाइल है इस नोटिफिकेशन में, राइट? तो हम डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं है। 50% जो होगा आपका वेटेज होगा, 50 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा, और जो आपका रेस्ट ऑफ 50% पार्ट जो बचता है उसमें आपका मेरिट लिस्ट जो है उसके बेसिस पे होगा, राइट दोस्तों? और इसमें जो है आपका सिर्फ 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th, राइट? तो चलिए देखते हैं सैलरी कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, और भी वेरियस थिंग हम इसमें जानेंगे। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, राइट दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस जो 100 मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो उसमें जो है आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया, 50% जो होगा 100 मार्क्स का होगा उसमें 50% जो होगा आपका मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें आपका +2 का जो है आपका, अगर 70% से ज़्यादा आपका मार्क्स है +2 में तो 30 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपका 70 से कम 50 तक है तो 20 नंबर मिलेगा, 35 से 50 के नीचे है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, राइट? और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस 5 साल से ज़्यादा का है तो 20 नंबर, एक्सपीरियंस 1 से 5 साल का है तो 10 नंबर, और फ्रेशर है तो 0 नंबर। मतलब जो एक्सपीरियंस है वो भी भर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस जो फ्रेशर है वो भी भर सकते हैं, राइट? बट उनको यही है कि इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना होगा जो फ्रेशर है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस कोई जॉब मिलेगा, फ्रेशर भी न्यू आते हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है ना, राइट? वो उनको जॉब का ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट कि हाँ हमें जॉब करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को सिर्फ जॉब मिलेगी, राइट? अगर कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं अच्छा स्कोर, राइट? तो ये देखिए सैलरी स्ट्रक्चर जो है, 20,000 पर मंथ इन हैंड प्लस 30 पर प्री ऑथ विद द कैपिंग हैंड, मतलब 10,000 आपका जो है इंसेंटिव मिलेगा, और टोटल 30,000 प्लस अलाउंसेस मिलेंगे। और आपका जो ज्वाइनिंग होगा ये कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में, राइट? आपका जो इसमें जो मेरिट लिस्ट निकलेगा आफ्टर इंटरव्यू वो aas-assam.in या इस पे nhm.assam.gov.in पे आपको पब्लिश होगा। और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का 23rd सितंबर, ये है वेबसाइट nhm.assam.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट? नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। ये देखिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत असम में वैकेंसी निकली हुई है, राइट? और ये अटल अमृत अभियान सोसाइटी के तहत जो है, इसमें आरोग्य मित्र प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, टोटल जो वैकेंसीज हैं 429 वैकेंसीज हैं इसमें, राइट? और जो सिलेक्शन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं nhm.assam.gov.in पे जाके, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहां आपका +2 का साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, मस्ट बी फ्लुएंट इन असामी इंग्लिश एंड हिंदी, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेटर, एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर विल बी प्रिफेयर, मतलब एक्सपीरियंस को ज़्यादा कमिट किया जाएगा, बट फ्रेशर अगर है मतलब उसमें है कि हाँ ये कर सकता है तो डेफिनेटली, अगर टैलेंटेड है फ्रेशर तो डेफिनेटली वो उनको भी जॉब मिलेगा, राइट? सो दोस्तों इसमें अगर कोई डाउट है, कोई भी कैंडिडेट पैन किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता है जो आसामी जानता हो तो, राइट दोस्तों? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।